मंसूर की हितांशी, जिसे प्यार से कॉलोनी वाले टुन्ना भी कहते हैं। मंसूर के बापू नगर में रहने वाली हितांशी 22 मार्च से, यानी कि लॉकडाउन के पहले दिन से ही अपनी कॉलोनी वालों के लिए गीत गाकर सकारात्मक ऊर्जा देती आ रही है। 10वीं में पढ़ने वाली हितांशी हर शाम को अपने कॉलोनी वालों को लॉकडाउन की निराशा से दूर करने के लिए कई सुंदर गीत अपनी मीठी सी आवाज़ में सुनाती है। हितांशी की आवाज़ सुनते ही कई लोग उसे सुनने के लिए खिड़कियों से बाहर या फिर घर के गेट पर खड़े होकर उसका साथ भी देते हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन से उसे एकाकीपन या फिर तनाव से थोड़ी राहत देने में हितांशी की आवाज़ असर तो कर रही है। शायद यही बड़ी वजह है कि कॉलोनी वाले हितांशी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कॉलोनी वालों के मुताबिक वो हर शाम को कॉलोनी वाले हितांशी के गाने का इंतजार भी करते हैं। हितांशी का कहना है कि वह 22 मार्च से हर शाम को लगातार कॉलोनी वालों के लिए गाना गाती आ रही है, जिससे लोगों में पॉजिटिव एनर्जी तो आती है, साथ ही साथ सबका इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। शाम को अपने घर के बाहर खड़े होकर सब पूरी कॉलोनी को एंटरटेन करती हूँ, सॉन्ग्स गाती हूँ, मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाती हूँ, और इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जो कोरोना हमारे इंडिया में आ गया है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसके जो रूल्स है उसे फॉलो करना है, बार बार अपने हाथों को धोना है, और अपनी कंट्री को सेव करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करें। बच्ची सर, मैं अभी यहाँ रहने आया हूँ लॉकडाउन के 8-10 दिन पहले, और जैसे ही मैंने पहली बार लॉकडाउन में उसकी आवाज़ सुनी घर के अंदर, तो मैं बाहर निकल के आके पूरा गाना सुना उसका। बहुत बढ़िया गाती है, और मेरे अंदर भी उससे एनर्जी डेवलप हुई कि इस लॉकडाउन में अकेले रहते हैं तो कुछ म्यूजिक वगैरह इस टाइप की चीज़ें सुनने का शौक़ है मुझे। अच्छा लगता है, बाहर बैठते हैं तो इसकी आवाज़ आती है हमें, इस गाने की बढ़िया मज़ा आता है। इसकी आवाज़ बहुत प्यारी आवाज़ है, इसकी छोटी सी बच्ची की मस्त आवाज़ है, पूरे कॉलोनी में गूंजती है इसकी आवाज़, अच्छी लगता है। बिटिया बहुत अच्छा गाती है, और जब कभी फीलिंग होता है, बोर होते हैं, तो इसका म्यूज़िक सुन के बहुत अच्छा अपने फीलिंग होता है। और दिन में तो मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, पर जब भी शाम को आता हूँ इसका म्यूज़िक सुन के बहुत अच्छा फीलिंग होता है, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। मेरी पोती जब छोटी थी तब 4th क्लास में इसके सर ने मुझे बुलाया और कहा आपकी बिटिया बहुत अच्छा गाती है, इसको आगे बढ़ाइए। तो फिर मैंने इसको म्यूज़िक कॉलेज में इसको एडमिशन दिला दिया, और आगे बढ़ते बढ़ते ये अच्छा गाने लग गई है, और बस गा गा के हमारा मनोरंजन करती है। अच्छा लगता है हमको, क्योंकि हम सब समय होता है और सोचने लगते हैं कि आज हितांशी फिर गाएगी, आज कौन सा गाना गाएगी, क्या गाएगी, कैसे गाएगी, कौन सा अच्छा गाएगी, मोटिवेट होते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।